हुई है, मतलब घटना नहीं हुई है? ये सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगा। यहाँ ये सरकार नहीं है कि आपको धरने पर बैठना पड़े और चाहे देश देश का नाम खराब हो जाए, लेकिन एक एफ आई आर करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़े और उस व्यक्ति को आप सांसद बनाए रखे क्योंकि आपकी सरकार बनी है। और कभी हम इस चीज का खंडन नहीं करेंगे और हमारा देश हर एक महिला के लिए उतना ही हमारे लिए सम्मान है, चाहे मणिपुर में उसके साथ व्यवहार हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, हमारे लिए किसी प्रकार। दिल्ली के सीएम आवास के अंदर हुआ है, कहीं और कोने में देश के कहां जा रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर आपकी राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी हुई है और ये आपके सांसद स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं एक्शन होना चाहिए अगर कुछ हुआ है तो, इसका क्या मतलब है? देखिए हर एक कंप्लेन एक जांच के विषय से निकल के होकर गुजरती है, ये मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीजें हैं, हमें भी जानकारी होगी और थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। जब कोई कंप्लेनेंट कंप्लेन फाइल करता है तो वो उसका एक तरफ का आधार होता है, इसके लिए जांच प्रक्रिया होती है। अब वो जांच करने का काम पुलिस का है और हम उसमें सहयोग करते हैं, करना भी चाहिए, कानून का अपना अधिकार है, कानून के दायरे हैं। तो फिर संजय सिंह ने क्यों बोला कि इस पे मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे? लेकिन जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैंने स्पष्ट कहा, हमारे नेता जी ने स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, हम किसी का बचाव नहीं करेंगे, जो भी उचित से उचित और मजबूत से मजबूत कार्रवाई हो की जाए अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। अच्छा, तो अब ये चीज स्वाति मालीवाल है कहाँ? बिल्कुल, स्वाति मालीवाल जी बहुत अच्छी है, सबसे घर पे है, अपने व्यक्तियों कुछ उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, उनके साथ बुझी हुई है और अभी कुछ दिन हमारे साथ आए। उनके साथ बदसलूकी हुई थी या नहीं हुई थी? तो क्योंकि मामला सबके सामने है, हमने तो बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि ऐसा मामला संज्ञान में आया है और हम पूरी तरीके से पुलिस तक कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है। जहां भी आरोप आरोप किस पे लगा है? उन्होंने जैसा पुलिस से खबर आई है उस हिसाब से ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनके साथ आपके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। अब ये कहना कि कल हमारे पैनल पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए, मेरे सही मान लीजिए नहीं हूँ, अब उसके साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाए, आपका क्या उसमें रोल है? मान लीजिए कनेक्ट अपराधी हूँ, मान लीजिए मैं संगीत सर, सर एक चीज है, अगर आरोप है नीतीश जी पे, अगर कोई आरोप उस तरीके का है तो मैं उनके साथ डिबेट नहीं करूंगा कि नहीं मुझे पैनल पे वो नहीं चाहिए, वो पाक साफ हो जाए, वो पाक साफ हो जाए उसके बाद मेरे पैनल में बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए कानून हर एक व्यक्ति विशेष के लिए अपना काम करता है, मेरे अपराध आपके ऊपर तो FIR आप लोगों ने दर्ज कहां करवाई है? आप लोगों ने FIR भी तो नहीं दर्ज करवाई है, आपकी पार्टी की तरफ से FIR होनी चाहिए थी। नहीं मिलेगी, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर पहले वो काम वही कर लेता हूँ। अच्छा, आपके राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हो जाएगी, आप FIR दर्ज नहीं करवाइएगा, इसके लिए कानून कौन सा कानून चाहिए इसके लिए? अच्छा, आपके साथ कोई घटना घटेगी तो क्या यहाँ बैठे हुए? अगर मेरे साथ कोई घटना घटेगी तो मेरा चैनल क्या जाकर के FIR नहीं करवाएगा? अरे पहले तो आप जाएंगे। अरे प्रभु तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सीएम आवास के अंदर हुआ है, सब कुछ सीएम आवास के अंदर हुआ है। थोड़ी बहुत कानून की जानकारी तो मैं रखता हूँ, उस हिसाब से बता दूं कि ये